नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिकॉन किट बनाने वाले हैं। 15 इंच 600 वाट का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल है, तो उसका हम फुल रिकॉन किट बनाना आपको सिखलाएंगे। तो रिकॉन किट के फ़ायदे क्या होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 स्पीकर है जिसमें से आपका रनिंग 6 स्पीकर चल रहा है और सडनली 10 दिन का आपने सेटअप लिया है, कहीं पे 10 दिन का आपने शो लिया है और उसमें से 2 स्पीकर या 4 स्पीकर जल गए, तो जब आप रिपेयर करने के लिए देंगे तो नेचुरली 2 से 3 दिन लगेगा, वो भी अगर सामने वाला मैकेनिक चाहे तो। लेकिन अगर आप रिकॉन किट बना करके रख लेते हैं पहले से ही, तो आप आधे घंटे में स्पीकर रेडी करके 2 घंटे के अंदर उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एकदम डिफरेंट है, फुल नॉलेजेबल रहने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा आप देख लीजिए। जो स्पीकर रिपेयरिंग के लिए सामान लगता है वही सामान लगेगा। तो ये देखिए, हम रिकॉन किट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पी ऑडियो का 15 इंच का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल में 8 ओम्स का स्पीकर है, 1200 वाट लिखा हुआ है बट 600 से 800 वाट ही आउटपुट देता है। तो इस स्पीकर का रिकॉन किट बनाएंगे। मान लीजिए ये 6 स्पीकर आपके पास है और 2 स्पीकर जल गए हैं, तो आप 2 स्पीकर कैसे फटाफट बना सकते हैं रिकॉन किट से, वही हम आपको बताना चाहते हैं। ये कॉयल मेरा ही बनाया हुआ है, DC वायर 28 गेज में बनाया हूँ इसको मैं। ये 800 वाट का कॉयल है और 8 ओम्स इम्पीडेंस है इसका, 4 इंच वॉइस कॉइल है। इस पर हम 10 नंबर का एक PVC सीट अंदर डाल करके पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं और फिर 7 नंबर का PVC सीट छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चारों साइड से उसको लॉक कर दे रहे हैं। यहाँ आपको रिकॉन किट बनाते टाइम PVC सीट के जो छोटे टुकड़े हो चारों साइड लगाना है ताकि आपका कॉयल एकदम सेंटर में सेट हो। ये देखिए, हमने चारों साइड से PVC सीट लगा दिया है और अब इसके बाद इसमें हम बाहर की साइड से, ये देख लीजिए, इतना ही आपका जो है सो पोल पे कॉयल बाहर रहेगा, लगभग 10% आपका कॉयल बाहर रहेगा। अब हम यहाँ पे चूंकि झटपट हमें किट बनाना है तो बोन टाइट यूज़ करेंगे। दोस्तों, हम कभी बोन टाइट यूज़ करते हैं, कभी हम एरालाइट क्लियर यूज़ करते हैं, बट मुझे जो ज़्यादा सूटेबल लगा वो बोन टाइट है, क्योंकि बोन टाइट मतलब पतला काफ़ी कम होता है तो बह करके कॉयल के अंदर जाने का डर नहीं रहता है। कभी कभी एरालाइट बह करके कॉयल के अंदर चला जाता है जल्दी जल्दी में। तो ये हम बोनटाइट का दोनों जो पेस्ट है वो इक्वल मात्रा में मिला करके और ब्लैक करके बना लिए हैं। यहाँ ब्लैक करने के लिए हम जेरोक्स पाउडर का यूज़ किए हैं। अगर आपको एरालाइट या बोनटाइट ब्लैक कैसे करें अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल पर भी जा करके आप देख सकते हैं कि एरालाइट को कलरफुल कैसे बनाए, वीडियो हमने बनाकर डाल रखा है। तो हम इसको कॉयल के ऊपर चारों साइड थोड़ा 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 मात्रा में बोनटाइट लगा दे रहे हैं। ये देखिए, आपको थोड़ी मात्रा में बोन टाइट लगाना है क्योंकि रिकॉन किट बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्पाइडर को लॉक करना होगा। तो कॉइल के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे हम हल्के हल्के मात्रा में बोन टाइट पूरा लगा दे रहे हैं। बोन टाइट पूरे कॉइल के ऊपर चारों साइड से लग गया है, तो अब हम स्पीकर सीधा रख करके इसके ऊपर हम स्पाइडर लगाएंगे। ये स्पाइडर ग्लू वाला स्पाइडर है, इसमें सिलिकॉन ग्लू लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब एक सुई की सहायता से हम कॉइल के ऊपर इसको सेट करके गोल गोल घुमा करके जो बोन टाइट है वो, ताकि बोन टाइट जो है वो स्पाइडर और कॉइल के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको हम पलट करके रख देंगे। पलट करके रखने के पीछे रीजन यही है कि आपका जो बोन टाइट है वो बह करके कॉइल के अंदर नहीं जाना चाहिए। बोन टाइट एडहेसिव 5 मिनट में सूख जाता है, तो 5 मिनट हो गया और हमारा बोन टाइट सूख गया होगा। तो अब हम स्पीकर कॉइल और स्पाइडर को निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक की छोटी टुकड़ियाँ डाले थे उसे निकाल करके चेक कर लेते हैं और ये अंदर शीट भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, कॉइल और स्पाइडर का जोड़ काफ़ी अच्छा हो गया है। अब इसको हम वापस पोल के ऊपर रख करके प्लास्टिक का जो PVC सीट है उससे इसको सेट कर देंगे, सेंटरिंग कर देंगे और फिर छोटी छोटी टुकड़ियों से इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर वापस हमें फिर ध्यान रखना है कि ये टुकड़ियाँ हमें चारों साइड लगानी है ताकि हमारा कॉइल एकदम सेंटर में बैठे। तो ये देखिए, छोटी छोटी जो प्लास्टिक PVC की टुकड़ियाँ थी उसको हम कॉइल के चारों साइड लगा दे रहे हैं। चूँकि हम रिकॉन किट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्पाइडर को लॉक नहीं करना है, स्पाइडर को एरालाइट या बोन टाइट से जाम नहीं करना है। अब हम वापस बोन टाइट बना लिए हैं और स्पाइडर और जो कॉइल का जो पॉइंट है वहाँ पे हम चारों साइड से बोन टाइट लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे अब हमें पेपर लगाना होगा। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों साइड घुमाते हुए हम बोन टाइट लगा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम फुल डिटेल्स के साथ आपको नई नई जानकारी देते हैं। एक तरफ से समझिए तो हम अपने लगभग 22 से 25 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं।
तो ये देखिए हमने बोन टाइट को क्वाइल और स्पाइडर के बीच में लगा दिया। अब जो बचा हुआ बोन टाइट है वो हम पेपर के जड़ के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैला करके लगा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, पेपर जो है, पेपर पे जब बोन टाइट लग जाएगा और वहाँ पे स्पाइडर और क्वाइल में लगा हुआ है तो तीनों आपस में मिल करके एकदम परफेक्ट गठजोड़ बनाएंगे और एकदम अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। पेपर के जड़ में बोन टाइट अच्छे से लग गया है तो अब हम इसे क्वाइल के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए सेट कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारा क्वाइल के ऊपर पेपर सेट हो गया है। यहाँ पे आपको केयर करना है कि आपका स्पाइडर नीचे टच होना चाहिए बास्केट में और पेपर भी जो है ऊपर के जो साइड का रिंग है वो बास्केट में टच होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिकॉन किट सेट करेंगे तो उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। अब हम वापस से बोन टाइट बना करके, चूँकि ये दो लिक्विड में आता है, हम आपको यहाँ डिटेल्स बता दे रहे हैं। ये देखिए दोनों लिक्विड हम मिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद ये हमारा जेरोक्स पाउडर है, ये हमारा पसंदीदा पाउडर है ब्लैक कलर करने के लिए। जेरोक्स पाउडर डाल करके वापस हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये जब अच्छी तरीके से देखिए मिक्स हो गया है तो ब्लैक कलर का बोन टाइट बन गया है। ये आपको हमारे चैनल पे अलग अलग कलर के बोन टाइट्स कैसे बनाए उसके लिए वीडियो मिल जाएगा। तो ये देखिए बोन टाइट हमने बना लिया है। अब हम क्वाइल और पेपर के बाहर की साइड से बोन टाइट को लगा करके क्वाइल और पेपर्स को अच्छे से लॉक कर देंगे। चूँकि नीचे का बोन टाइट अभी गीला ही है, आधा सूखा हुआ है, और बाहर का बोन टाइट अभी हम लगा देंगे तो दोनों मिल करके काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए पेपर में चारों साइड से गोल गोल घुमाते हुए हम क्वाइल और पेपर के बीच में बोन टाइट लगा दे रहे हैं। अब इसको हम हल्के से हीट गन से हीट कर देंगे जिससे ये पिघल करके एकदम से परफेक्ट गठजोड़ बन जाएगा। पिघल करके जिसके अंदर जो हल्का सा बबल से एयर होगा वो निकल जाएगा और एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हो जाएगा। 5 मिनट हो गए तो लगभग बोन टाइट टाइट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे लीड वायर लगाने के लिए टर्मिनल के सामने होल कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम दो होल करेंगे माइनस और प्लस टर्मिनल के लिए। ये देखिए हमने दो होल कर लिया है और अब हम इस रिकॉन किट को पोल से बाहर निकाल करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले छोटी छोटी प्लास्टिक की शीट्स को निकाल दे रहे हैं और उसके बाद हम रिकॉन किट को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा रिकॉन किट बाहर निकल आया, एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हुआ है स्पाइडर पेपर और क्वाइल में। आप देख सकते हैं नीचे से देखिए, आप सामने से देखिए, स्पाइडर और पेपर्स के बीच में भी आप देखिए, चारों साइड से देखिए, एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हुआ है। तो ये देखिए रिकॉन किट लगभग लगभग रेडी हो गया है। अब हम इस पर लीड वायर लगाएंगे। अब रिकॉन किट को हम वापस क्वाइल के पोल के ऊपर रख देते हैं और हमारा जो क्वाइल का वायर निकला हुआ है उसे हम लीड वायर के ऊपर गोल गोल घुमा करके उसको लॉक कर देते हैं। दोस्तों हम हर बार बोलते हैं कि सोल्डिंग करने के लिए कभी भी आप लीड वायर में तार को गोल गोल घुमा करके ही लॉक कीजिए। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ड्राई सोल्ड नहीं होता है और इसका जो जोड़ होता है वो परफेक्ट होता है। तो ये देखिए हम दोनों लीड वायर को गोल गोल घुमा करके लॉक कर दिए हैं और अब उसको जो हमने होल किया था वहाँ से हम टर्मिनल की तरफ बाहर निकाल ले रहे हैं। ये दोनों वायर हमारे बाहर निकल गए। अब हम दोनों लीड वायर को सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें अच्छे से सोल्डिंग करना है ताकि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे हमारा ड्राई सोल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे दोनों लीड वायर सोल्डर हो गए। अब इसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे हम और उसको क्वाइल और पेपर के पास जड़ के पास लीड वायर को दबा देंगे। ये देखिए हमने दोनों लीड वायर को जड़ के पास दबा दिए इसको हम। इससे क्या होगा कि जब आप अभी एरालाइट इसके ऊपर या बोन टाइट इसके ऊपर लगाइएगा तो ये एकदम अच्छे से जाम हो जाएगा। ये देखिए बोन टाइट हम बना के रख लिए थे, अब लीड वायर को हम बोन टाइट से लॉक कर दे रहे हैं। यहाँ पे लीड वायर जितना जड़ के पास चिपका रहेगा उतना मजबूत ज्वाइंट होगा। अगर आप लीड वायर बाहर निकाल करके, तार को बाहर निकाल करके ज्वाइंट करते हैं तो जो तार है वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए लीड वायर जो है वो जड़ के पास ही ज्वाइंट होना चाहिए। तो ये हम लीड वायर को जड़ के पास बोन टाइट से लॉक कर दिए। आप देख सकते हैं ये देखिए लीड वायर एकदम परफेक्ट लॉक हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो है सो हम इसके जो लीड वायर बाहर साइड से है उसको लॉक करेंगे। तो ये बाहर की साइड से ये देखिए लीड वायर को लॉक करने का तरीका। सबसे पहले आप लीड वायर को थोड़ा सा उठा लीजिए और जहाँ पे लीड वायर पेपर में टच होगा वहाँ पे आप बोन टाइट रख करके लीड वायर के ऊपर से अच्छे से बोन टाइट से लॉक कर दीजिए। यहाँ पे बोन टाइट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और थोड़ी सी भी नहीं डालना है, और लीड वायर को पेपर में से एक मास्किंग टेप से चिपका दीजिए ताकि जो वहाँ पे बोन टाइट लगाए हैं वहाँ पे लीड वायर पेपर में जड़ में चिपका रहे। अब दूसरे लीड वायर को भी हम लॉक करते हैं। ये लॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जब हमारा स्पीकर काफ़ी तेज़ी से वर्किंग होता है
तो लीड वायर जड़ के पास से टूटता नहीं है। ये यहाँ से जब लीड वायर निकलेगा तो एक एस नुमा शेप बना करके निकलेगा, राउंड कर्व लेके निकलेगा, तो लीड वायर जल्दी वहाँ से टूटता नहीं है। तो ये हमारे दोनों लीड वायर लॉक हो गए, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको किसी भी स्पीकर में लीड वायर को लॉक करना है, आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट लॉक हुआ है। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा रिकॉन किट बन करके तैयार हो गया है। अब दोस्तों रिकॉन किट का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बट इस रिकॉन किट को आप रिकॉनिंग कैसे करेंगे उसके लिए भी हम सोच रहे हैं इसका वीडियो कंप्लीट कर दें। तो रिकॉन किट से स्पीकर रिकॉनिंग करने के लिए हम जिस स्पीकर में डाई बना करके रिकॉन किट बनाए हैं, हमें उसी स्पीकर को रिकॉन करना है। यहाँ पे आप किसी भी 15 इंच के स्पीकर में ये रिकॉन किट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर का स्पाइडर का सेटिंग, पेपर का सेटिंग, गैप अलग अलग होता है। तो आपके पास जो स्पीकर अवेलेबल हो, जो स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं, रिकॉन किट आप उसी का बनाइए। अब मान लीजिए आपके पास 6 जोड़ा स्पीकर है, 12 स्पीकर है, आप कहीं पे शो कर रहे हैं और आपका 4 स्पीकर जल गया सडनली, तो आप दूसरा स्पीकर ना अरेंज करके आप अपने बनाए हुए रिकॉन किट से फटाफट 2 घंटे में 4 स्पीकर, 6 स्पीकर आप रेडी कर सकते हैं, अगर आपने रिकॉन किट बना करके रखा है तो। तो रिकॉन किट आप अपने लिए बनाइए, कस्टमर के लिए मत बनाइए, या कस्टमर के लिए भी बना रहे हैं तो पर्टिकुलर मॉडल जो आप बना रहे हैं मॉडल नंबर के लिए बनाइए और उसी मॉडल नंबर में वो लगेगा। तो रिकॉन किट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले बोन टाइट जो है वो स्पाइडर में चारों तरफ लगा लेना है। यहाँ पे बोन टाइट आपको अच्छी खासी मात्रा में लगाना है, जस्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये जो बोन टाइट है आपके बास्केट में भी जा करके चिपकेगा। तो जैसे ओस के ऊपर बूंद गिरती है या मोती आपको देखते हैं गोल गोल दिखता है, वैसे ही आपको यहाँ पे बोन टाइट गोल गोल रखना है, ओस की बूंदों के जैसा ऊपर लगना चाहिए कि बोन टाइट काफ़ी गोल गोल मोती के जैसा बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे स्पाइडर पे बोन टाइट लग गया है। अब हम जहाँ पे बास्केट में क्लॉथ रिंग लगता है वहाँ पर हम स्पेपसेवन लगा दे रहे हैं। स्पेपसेवन हम 1 लीटर के बॉटल में लाते हैं और उसको हम एक छोटी सी कीप में निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे आप स्पेपसेवन या फेवी बॉन्ड या जेवी फ्लेक्स या कोई भी रबर एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं। अब आप इस रिकॉन किट को पोल के ऊपर सेट करके गोल गोल 3-4 टर्न में घुमा दीजिए। 3-4 बार घुमाना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बोन टाइट है वो नीचे बास्केट में वही लगेगा और ऊपर जो आपने स्पेप सेवन लगाया है वो भी क्लॉथ पे पूरा लग जाएगा। उसके बाद आप इसको हल्का सा दबा करके और जो आपका लीड वायर है वो टर्मिनल के सामने ला करके छोड़ दीजिए और फिर 2 उंगलियों की सहायता से स्पेप सेवन को बास्केट के ऊपर दबा दीजिए एवं 7 नंबर के प्लास्टिक सीट से कॉयल को सेंटरिंग कर दीजिए और फिर 7 नंबर की प्लास्टिक की छोटी छोटी टुकड़ियों से कॉयल को आप अच्छे से जाम कर दीजिए। ये देखिए हमारे कॉयल भी अच्छे से जाम हो गया और स्पेप सेवन भी जो है सो लग गया है पूरा। उसको उंगली से आप दबा दीजिए, वो सूख जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अंदर स्पाइडर है वो बोन टाइट से बास्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से चिपका हुआ है, कहीं पे गैप नहीं है। आप इस एंगल से देखिए, आपको इस एंगल से क्लियर दिखेगा बास्केट के ऊपर आपका जो स्पाइडर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है। आप इस एंगल से भी देख लीजिए, हम कैमरा को स्पीकर के अंदर डाल करके आपको दिखला रहे हैं। अब हमें बाहर स्पंज की पट्टी लगाना है, तो इसके लिए हम स्पेप सेवन को क्लॉथ रिंग के ऊपर चारों साइड से फैला करके लगा लेते हैं और एक छोटी सी स्पंज की टुकड़ी से उसको क्लॉथ के ऊपर चारों साइड अच्छे से फैला लेते हैं। और हमने इसका जो अपना रिंग है उस पर पहले से ही स्पेप सेवन लगा रखा है। अब उसको हम जो स्क्रू टाइट करने वाला होल है उसको मैच करते हुए हम चारों साइड इसके जो रिंग है उसको एक एक करके लगा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम अपने लगभग 25 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, तो अब हमारे अनुभव का फ़ायदा उठाइए। और ये देखिए अब हमारा जो स्पंज की पट्टी उसको एक वजनदार चीज़ से आप उसको ठोक दीजिए तो ये जो है सो अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसको आप पलट करके रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, कैप लगाने का और टर्मिनल वायर ज्वाइंट करने का, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि वो हम रिकॉर्डिंग किए थे बट किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब स्पीकर को हम चेक करते हैं। Oh.
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरे इस रिकॉन किट वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि YouTube पे रिकॉन किट बनाने का वीडियो मुझे अभी तक नहीं मिला है। हर कंपनी का रिकॉन किट रेडीमेड आता है, उसका ज़रूर मैंने रिव्यू देखा है, बट आप खुद से रिकॉन किट बना करके अपना स्पीकर को 1 से 2 घंटे में बोन टाइट से बना करके ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।